नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में बात करेंगे पंजाब और गुजरात के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 17 के बारे में। ये वाला जो मैच है ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि चलने वाले प्लेयर बहुत सेलेक्टेड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको छोटे मोटे एक दो रिस्क लेने पड़ेंगे, जिसके बाद आप एक बेहतरीन जीएल का कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। स्मॉल लीग में कैसे क्लीन स्वीप करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर वीडियो को ध्यान से देख लेना, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई रिस्की प्लेयर है जिस पर रिस्क उठाया जा सकता है तो वो कौन हो सकता है। और साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का फ्री गिव अवे। लास्ट वाली वीडियो के प्राइस ऑलरेडी हम दे चुके हैं टेलीग्राम पर, अगर आप हो तो वहां पर आपको पता चल ही गया होगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से चले जाओ, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आए एक जबरदस्त ऑफर, वो है नो लॉस ऑफर, मतलब 15 टीम तक आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो हमारी फाइनल टीम फाइनल अपडेट है वो टेलीग्राम पे आता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस मैदान के अगर डायमेंशन की बात करें तो लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको सामने की तरफ देखने मिलती है, और लेग में और ऑफ में लगभग 65 किलोमीटर की बाउंड्री आपको देखने मिल जाती है। इस मैदान के ऊपर टोटल 29 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 15 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और लगभग 170 के आसपास आपको स्कोर देखने मिल जाता है। पिछले जो दो मैचेस इस मैदान पर खेले जा चुके हैं उसमें हैदराबाद ने सिर्फ 162 बनाया था, जिसे गुजरात ने 168 बनाकर इजीली चेस किया, जिसमें सिर्फ 3 विकेट उन्होंने गवाए थे। वहीं इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जिसमें गुजरात ने 168 किया था लेकिन एमआई चेस नहीं कर पाई थी, हालांकि इजी चेस था जो एमआई ने बाद में जाके खराब कर दिया था। तो यहां आप ये कह सकते हो कि जो टीम टॉस जीत रही है वो अगर पहले गेंदबाजी कर ले रही है तो उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उस पर आप थोड़ा ज्यादा डिपेंड करना, पॉसिबल ये है कि वो आपको ज्यादा बेहतर करके दे जाएगी। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर बात करें तो यहां पर नंबर 3 था, यहां पर भी नंबर 3 मिला है, यहां पे भी नंबर 3 के खिलाड़ी ने स्कोर किया, यहां पे नंबर 4 ने स्कोर किया है। तो बहुत हद तक आप ये देख लोगे कि पावर प्ले के अंदर आपको एक विकेट तो जो है वो देखने मिल जाएगा, लेकिन एक और जो चीज जो आपको नजर रखनी है वो ये कि पावर प्ले के अंदर थोड़े बहुत रन नहीं बन रहे। पावर प्ले के अंदर बने 6 ओवर में लगभग 56 रन 10 की रन रेट से, मतलब लगभग 9 की रन रेट से। यहां पे 52 बना था, यहां बना 47, ये थोड़ा जरूर कम था, फिर यहां पे 52 बना है। तो ऐसा नहीं है कि जो ओपन करने आएंगे उनको मुश्किलें हुई हैं, उन्होंने विकेट गवाया जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि बैटिंग करने में दिक्कत आई है। तो गुजरात के ये जो विकेट है इस पर आप ये कह सकते हो कि आपको एक अच्छा स्कोर तो देखने मिलेगा, साथ ही साथ पावर प्ले के अंदर एक विकेट भी आपको देखने मिल जाएगा। अब वो विकेट किसका जाएगा ये मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी सही प्लेयर का सिलेक्शन करने में। और इसके पहले भी ऐसा ही कुछ हम देख चुके हैं, जैसे 2 विकेट यहाँ थे, 1 विकेट हमने यहाँ देखा, फिर 1 विकेट यहाँ, तो 2 विकेट हमने यहाँ पर देखे थे। अब स्पिनर्स का कितना रोल है, अब आप देखिएगा, यहाँ पे नूर अहमद खेल रहे हैं, राशिद खान खेले थे, उसके बाद भी सिर्फ 2 विकेट स्पिनर को मिले, यहाँ पे भी 2 विकेट ही स्पिनर के खाते में गए, इसके पहले भी सिर्फ 2 ही विकेट स्पिनर्स को मिल पाए थे। तो स्पिनर्स ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी तो की है, वो भी इसलिए क्योंकि राशिद खान क्वालिटी बॉलर है और नूर अहमद भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। कुछ एक गेंदें ऐसी थी जो नीची रह गई थी, उसकी वजह से इनको विकेट भी मिले, लेकिन यहां पर स्पिनर्स का जो रोल है वो थोड़ा कम ही मान के चलिएगा, जितना ज्यादा रोल है वो फास्ट बॉलर्स का है। तो अगर आप डिपेंड रहना चाहते हो या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो फास्ट बॉलर्स आपके लिए बहुत बेहतर चॉइस बन सकते हैं। बाकी जो इस मैच की पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैच के बारे में। आप लोगों के लिए एक और फ्री गिवअवे अनाउंस करते हैं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट कर दिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पे एक फ्री गिवअवे रखूंगा, जिसमें 4 यूजर को 1,000 रुपए का पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10,000 लाइक कंप्लीट करने होंगे इस वीडियो के ऊपर, तो टेलीग्राम पे जो लोग हैं उनको ये फ्री गिवअवे मिल जाएगा। अब लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो पंजाब ने 153 बनाया था और गुजरात ने बनाया था 154, जिसमें शुभमन गिल के 67 थे, रिद्धिमान शाह ने भी स्कोर किया था और मोहित शर्मा के 2 विकेट थे, मैथ्यू वेड ने 36 का स्कोर किया। गुजरात टाइटन्स ने साई सुदर्शन के 65 थे, शिखर धवन का 62 और ककिशोर अवाडा ने 4 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे, और ये जो मैच है ये पंजाब ने जीत लिया था।
दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो यहां पे देखिएगा, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, फिर साई सुदर्शन नंबर 3 और डेविड मिलर नंबर 4 खेल रहे हैं। गेंदबाजी के ऑप्शन कौन कौन से हैं इनके पास में, राशिद खान, नूर अहमद, मोहित शर्मा, उमेश यादव और दर्शन नालकंडे, इसके अलावा अजमतुल्ला ओमारजई। ओमारजई को अगर ये नंबर 4 पे ट्राई करें तो ये बहुत बढ़िया प्लेयर बन सकते हैं, ये इनके ज्यादा काम आ जाएंगे। बाकी अभी आपको ये देखने मिलेगा और कौन कितने ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, तो ये देख लीजिए, राशिद खान के 4 ओवर हो जाएंगे, नूर अहमद के 4 ओवर पूरे हो जाएंगे, मोहित शर्मा के 4 ओवर पूरे होंगे, 3 ओवर डालेंगे अजमतुल्ला ओमारजई, लगभग उमेश यादव के 3 ओवर और दर्शन नालकंडे के 2 ओवर आपको देखने मिलेंगे। तो 12 ओवर तो यहाँ हो गए, 12 के बाद 6 ओवर ये 18 और लगभग 2 ओवर दर्शन नालकंडे के हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको 20 ओवर देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो शिखर धवन और जॉनी बेरेस्टो ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 पे प्रभ सिमरन सिंह आएंगे, फिर या तो सैम करण यहाँ आ जाएंगे या फिर जितेश शर्मा खेलेंगे। इसके बाद गेंदबाजी में इनके पास में ऑप्शन है हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, राहुल चहर, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह का, और साथ में सैम करण का। तो गेंदबाजी जो पूरी मिलेगी जिसमें कगिसो रबाडा के 4 ओवर हो जाएंगे, हर्षल पटेल के लगभग 4 ओवर होंगे, अर्शदीप सिंह के 4 ओवर और फिर सैम करण भी लगभग 4 ओवर डाल देंगे। अब यहाँ अगर ओवर कम होते हैं तो जैसे कि आपको सैम करण के लगभग 3 ओवर देखने मिल सकते हैं, इसके अलावा जो बेहतर गेंदबाजी नहीं कर पाएगा उसके कुछ ओवर हरप्रीत बरार और कुछ ओवर राहुल चहर को आप डालते हुए देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर जो ओवर है वो फास्ट बॉलर्स के खाते में आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा ऑफर जिसमें 15 टीम तक आपको कोई लॉस नहीं होना है। तो दोस्तों, नो लॉस ऑफर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पे। इसके लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का, जाओ डाउनलोड करो, साइनअप कर लो। साइनअप करने के बाद में आप मेगा कॉन्टेस्ट में 15 टीम से ज्वाइन कर लेना, नए यूजर जितने भी हैं उन सभी को एंट्री फीस रिटर्न मिल जाएगी, तो जितने भी लोग नए हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा 1 करोड़ तक का प्राइस, मतलब जो आप फ्री में आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है उसका प्राइस 1 करोड़ रुपए है, फिर आपको 2 करोड़ 3 करोड़ तक ये प्राइस जाने वाला है, और साथ ही साथ आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। तो 20% का जो एक्स्ट्रा कैश आपको मिल रहा है, इसके लिए आपको मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि talent23 है। इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश और साथ में 1500 रुपये का कैश बोनस भी आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम्स के रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले रिद्धिमान साहा पे आइएगा, गुजरात टाइटन्स के प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड आपके सामने है। रिद्धिमान साहा ने इस मैदान पे 12 मैच खेले हैं, 252 रन का स्कोर किया है, 21 का एवरेज और 2.50 है। फिर है दोस्तों शुभमन गिल, 14 इनिंग में 60 का एवरेज, 3.50 और 2 शतक लगा चुके हैं। इसके बाद साई सुदर्शन है जिनका 8 इनिंग में 371 रन है। अजमतुल्ला ओमारजई ने 1 में 17 किया है। डेविड मिलर ने 9 इनिंग में 210 रन बनाए हैं। विजय शंकर का 1.50 है और राहुल तेवटिया का 81 रन है। गेंदबाजी में ओमारजई निकाल चुके हैं 3 विकेट, राशिद खान के पास में 15 विकेट है, नूर अहमद के पास में 8 विकेट हैं, और सबसे खतरनाक जो गेंदबाजी की है वो की है मोहित शर्मा ने 9 इनिंग में 25 विकेट निकालकर। तो आपके पास में कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे निकलते हुए नजर आते हैं मोहित शर्मा, वो भी जब पहले गेंदबाजी कर रहे हो। अब बात करें अगर सबसे पहले हम रिद्धिमान साहा के बारे में, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं यहां से उनको नोट कर लेना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, जो आपको ज्यादा डीप लेकर जाएंगी। सबसे पहले रिद्धिमान साहा की अगर बात करूं तो दोस्तों हर एक मैच के अंदर इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये 20 रन बनाते हैं, प्लस इनको कम से कम 2 कैचेस हर एक मैच के अंदर लेने का मौका मिला है, तो लगभग 35 से 40 पॉइंट हुए हैं, और इसकी वजह से हर एक मैच में ड्रीम टीम में शामिल हुई हैं। अब आपके पास में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि अगर आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जो 35 से ऊपर रन बना रहा तो आप उसकी तरफ चलेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, या फिर कोई ऐसा गेंदबाज जिस पर आपको ये उम्मीद हो कि अगर हम इस पर रिस्क ले लें तो ये 2 विकेट निकाल कर दे जाएगा तो हमें उसको पिक करना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में 20 रन के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे लगभग 20 रन बनाएंगे, और पंजाब के सामने 24 का ही बैटिंग एवरेज है, और पिछले एक साल में भी 23 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 2.50 किए हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जो है इनको बहुत परेशान करती है। कगिसो रबाडा इसी तरह की गेंदबाजी करते भी हैं और 29 गेंदों में 3 बार आउट कर चुके हैं।
और इसके अलावा हर्षल पटेल इनको दो बार आउट कर चुके हैं। हाल फिलहाल की स्थिति में ये खिलाड़ी जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा गेंदबाज है जो आपको दो विकेट निकाल कर दे सकता है, चाहे वो रिस्क ही क्यों ना हो, आप उसकी तरफ चले जाना। फिर इसके बाद नाम है शुभमन गिल का। शुभमन गिल इस मैदान पे कमाल करते हैं, हालांकि अभी तक इनके बैट से 50 नहीं निकला है। आप देखोगे 20 इनिंग में इनके बैट से 7 बड़े स्कोर आ चुके हैं, तो लगभग देखा जाए तो हर तीसरी पारी में एक बड़ा स्कोर इनके बैट से निकलता है। 3 मैचेस ऑलरेडी खराब जा चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस मैच के अंदर 70 रन प्लस तो आना चाहिए। कितना आना चाहिए? लगभग 70 प्लस। तो ग्रैंड लीग में कम से कम 5 टीम के कैप्टन शुभमन गिल बना देना, कम से कम 5 टीम के। अगर आप 5 टीम टोटल उतार रहे हो तो 2 टीम तो बनाना ही बनाना है। पहले बैटिंग करते हुए 250 2 शतक है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 1 शतक है। राहुल चहर ने 2 बार आउट किया है, चूंकि लेग ब्रेक से इस टूर्नामेंट के अंदर भी 2 बार आउट हो चुके हैं, और कगिसो रबाडा भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर आता है नंबर 3 पे साई सुदर्शन। ये खिलाड़ी कंसिस्टेंट है, अधिकतर मैचेस में स्कोर करता है, लेकिन इसको दिक्कत हुई है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से। अगर इनके सामने जैसे ही ये बैटिंग करने आए वैसे ही अगर कगिसो रबाडा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये विकेट जल्दी मिल जाएगा। तो कुल मिला के वैसे तो ये दोस्तों आपके लिए कन्फर्म पिक है, क्योंकि 63 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो ये खिलाड़ी आपकी टीम में तो रहेगा, लेकिन अगर रबाडा इनको सही जगह पर गेंदबाजी कर दे तो ये विकेट मिल सकता है। फिर इसके बाद डेविड मिलर है, लास्ट मैच में 44 का स्कोर किया, 150 कर चुके हैं, और पहले बैटिंग करते हुए 150 इनके खाते में। अब चूंकि नंबर 4 पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक रिस्क ये है कि कब तक 4 नंबर पर इस्तेमाल होंगे ये देखने वाली बात होगी। और कगिसो रबाडा जो है वो इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद है विजय शंकर। विजय शंकर आपके ज़्यादा काम आएंगे नहीं, ये बस इतना है कि पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में इतना अच्छा करेंगे कि वो ग्रैंड लीग के कैप्टनसी के बराबर काम हो जाएगा। बाकी सभी मैचेस में देखोगे तो ये ऐसे प्लेयर रहेंगे जो आपका समय खराब करेंगे, आपकी टीम खराब करेंगे। तो हाल फिलहाल की स्थिति में मेरी टीम में नहीं है ये खिलाड़ी। और इसके बाद है राहुल तेवटिया, 6 रनों का स्कोर किया था लास्ट जब बैटिंग आई थी, और पहले बैटिंग करते हुए 17 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 40 का एवरेज है। इनका इस्तेमाल नॉर्मली तब होता है जब डेथ ओवर आ जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे 15 ओवर के बाद में, तो 15 ओवर के बाद में इनका इस्तेमाल है, जो कि आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर मिस और हिट वाला काम रहेगा, इसलिए इस खिलाड़ी पर भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और कगिसो रबाडा इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। रबाडा का नाम हमने बार बार देख लिया, इसलिए आपको करना यह है कि एक टीम के अंदर रबाडा को आपको कैप्टन बना के चलना है, वो भी कब, जब पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी के लिए रबाडा को एक टीम में कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना। आजमतुल्ला उमारजई है, ये लगभग 1 विकेट आपको निकाल देंगे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि इनसे जितने भी ओवर है सब पावर प्ले में करवा लिए जा रहे हैं। अगर इनका एक भी ओवर डेथ ओवर में आ जाए तो ये आपको 1 से ज़्यादा विकेट निकाल कर दे सकते हैं। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के सामने इनको दिक्कत हुई है बैटिंग करने में, और इसके अलावा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी इनका बैटिंग एवरेज 8 का है, और यहाँ पर कोई इस तरह का गेंदबाज आपको मिलेगा नहीं। फिर है राशिद खान, ऑलमोस्ट 1 विकेट आप मान सकते हो, चूंकि ग्राउंड ने उतना अलाउ नहीं किया है इसलिए 1 विकेट दे रहा हूँ। बाकी पंजाब के सामने 22 विकेट हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 37 विकेट, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 35 विकेट। अब आपको ये देखना है कि पिच तो मदद नहीं कर रही, ये हमें समझ में आ रहा है, हम पूरी डिटेल में जान रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि सामने वाली टीम के बल्लेबाज कैसे हैं तो आपको क्या देखने मिलेगा, आपको वहाँ मिल रहे हैं प्रभसिमरन सिंह, सैम करन, लिविंगस्टन, बैरिस्टो। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिन को उतना बेहतर नहीं खेलते हैं, ऐसे में चांसेस अच्छे होंगे कि 1 विकेट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट तक जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास में नूर अहमद भी है, इसलिए मैं कुछ विकेट नूर अहमद के खाते में काउंट कर रहा हूँ। और टोटल इनके खाते में 45 विकेट हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 15 हैं, सेकेंड गेंदबाजी करते हुए 30। फिर है दर्शन नालकंडे, 4 इनिंग में 3 विकेट, कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं। उमेश यादव भी लगभग 1 विकेट वाले ही प्लेयर हैं, तो इनको भी मैं छोड़ के ही चल रहा हूँ अभी। और अंत में नाम है मोहित शर्मा का, अगर टीम पहले गेंदबाजी कर रही है तो इस खिलाड़ी को छोड़ना नहीं है, वैसे तो सेकंड इनिंग में भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इस टीम ने 200 से ऊपर का स्कोर कर दिया या फिर 180 से भी ऊपर बना दिया तो फिर मोहित शर्मा को कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक ईजिली मिल जाएंगे। और अगर पहले गेंदबाजी कर रही है गुजरात की टीम तो फिर आप इन्हें कैप्टन बना सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम पंजाब के बारे में। पंजाब की तरफ से देखेंगे तो शिखर धवन ने 3 इनिंग में किया है 121 रन, और प्रभसिमरन सिंह ने 2 में 19 किया है। हरप्रीत बरार के पास 4 विकेट हैं, पटेल के पास 2, रबाडा के पास में 4, और अर्शदीप सिंह के पास में 1 विकेट है। देखने वाली बात क्या है कि मैंने आपको क्या कहा था कि रबाडा 3 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाल चुके हैं, और क्लियर सी बात है कि किसके सामने निकाला होगा, इसी टीम के सामने। अब शिखर धवन जो है
पिछले 3 मैचेस में कमाल करते आए हैं। तो ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट टीम में कंफर्म है। पहले बैटिंग करते हुए 350 कर चुका है और गुजरात के सामने भी 50 का ही एवरेज मेंटेन किया है। कमजोरी कुछ भी नहीं है। राशिद खान ने 4 बार आउट किया, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पिन इनके लिए दिक्कत बन जाएगी, 4 बार आउट किया है। और इसके अलावा मोहित शर्मा भी 4 बार आउट कर चुके हैं। नंबर 2 पे आपको कौन मिल रहा है? जॉनी बेरेस्टो। जॉनी बेरेस्टो ने पिछले कुछ समय में सिर्फ 20 के एवरेज को मेंटेन किया, हालांकि पिछले मैच में शुरुआत अच्छी मिली थी, 42 का स्कोर किया और 250 इनके खाते में भी हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 हैं और ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। यहाँ पे आपको उमेश यादव मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको राहुल तेवटिया मिलेंगे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर है इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह के सामने बैटिंग, इनका बैटिंग एवरेज 25 का है। क्योंकि दोस्तों ये जो खिलाड़ी है यह प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर है, इसको रखने का फायदा तभी आपको हो पाएगा जब एक लो स्कोरिंग मैच हो रहा हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक लो स्कोरिंग मैच हो सकता है तो फिर आप प्रभ सिमरन सिंह को रख सकते हो, क्योंकि ये अटैकिंग खेलने जाते हैं और 15-20 रन नॉर्मल में बना देते हैं। 150 और 100 ये कर चुके हैं जो कि इन्होंने पिछले साल ही बनाया था। इसके बाद जितेश शर्मा है, पहले बैटिंग करते हुए 28 का एवरेज है, कोई 50 शामिल नहीं है। गुजरात के सामने 2 में 48 रन है और वैसे अगर देखोगे तो 17 में 22 का एवरेज है। बहुत कुछ खास ये टूर्नामेंट चल नहीं रहा, लेकिन ये खिलाड़ी अच्छा है, एक्सपेक्टेड है कि कुछ भी कर सकता है। फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज 16 और यहाँ पे आपको उमेश यादव मिलेंगे जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर है लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन ने जब बैटिंग आई है तब तो स्कोर किया है 28 और 38 का। पहले यहाँ देखेंगे तो इन्होंने 27 इनिंग में 16 विकेट भी निकाले हैं। बैटिंग में पहले बैटिंग करते हुए भी 150 है, सेकंड बैटिंग करते हुए भी 150 है। दिक्कत यह है कि इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे किया हुआ है। अगर इनको थोड़ा ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हर दूसरे या तीसरे मैच में आपको 50 बना जाएंगे। लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 14 का है और यहाँ पे नूर अहमद है और राशिद खान है। जैसा कि आपको मैंने क्लियर किया था पीछे कि स्पिनर्स ऐसे खिलाड़ियों को दिक्कत देते हैं, तो आप देख सकते हो कि नूर अहमद 2 बार आउट कर चुके हैं, राशिद खान 4 बार और लेग ब्रेक में तेवटिया भी मौजूद है। फिर इसके बाद सैम करन, गेंदबाजी में लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे, 63 इनिंग में 54 विकेट खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 20 तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 34 है। चूंकि 4 ओवर पूरे डालेंगे तो फायदा देंगे। पहले बैटिंग करते हुए 550 हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको बहुत परेशान करती है, मतलब अर्शदीप सिंह के पास में अच्छा मौका है। इसके बाद शशांक सिंह को रखने का ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो इनको छोड़ रहा हूँ। इनका रिकॉर्ड भी ऐसा कोई बहुत खतरनाक नहीं है। हरप्रीत बरार जो है वो ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको दे सकते हैं, इसीलिए हरप्रीत बरार को अगर कहीं रखना हो तो GL ओनली एक जगह है जहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम इनको परेशान करती है। इसके बाद नाम आता है हर्षल पटेल का, 18 इनिंग 17 विकेट, जबकि गुजरात के सामने 1 ही विकेट मिल पाया है। और पहले गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हैं, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट हैं। अंत में जो 2 नाम हैं जिसमें राहुल चहर है, 17 इनिंग में 10 विकेट इनको मिले हैं, ऐसा कोई कमाल तो इन्होंने भी नहीं किया। फिर नाम है इसके बाद आपको मिलेगा कगिसो रबाडा का, जिन्होंने 3 मैचेस में विकेट निकाला है और इस मैच में तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट का मौका है। और लास्ट में है अर्शदीप सिंह जिनके पास में 24 इनिंग में 29 विकेट हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 10 हैं तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट हैं। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो साई सुदर्शन, ओमारजई और सैम करण जो है ये आपके GL के स्मॉल लीग के कैप्टनसी के ज़्यादा बेहतर चॉइसेज हैं। बाकी कुछ अगर रिस्क लेना है तो शिखर धवन, राशिद खान और शुभमन गिल पे लिया जा सकता है। टीम कॉम्बिनेशन में जॉनी बेरेस्टो हैं, सुदर्शन गिल और धवन है, इसके बाद करण, राशिद खान, अमारजई, मोहित शर्मा, नूर अहमद और कगिसो रबाडा प्लस रिद्धिमान शाह के स्थान पे आप जो भी गेंदबाज ट्राई कर रहे हो उसको कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट लाइक का जो गिवअवे है उसका पार्टिसिपेट करिएगा। और ध्यान रखिए 1500 रुपये का कोच जो बोनस है आपको मिलेगा हमारे लिंक से, और साथ ही साथ दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।